जिन वाले खटखटो वाला फैसला ले लेगा ना वो मोदी जी का अटल फैसला है। उल्टे नहीं जा सकते जिन वाले, मोदी जी चाहे मारे गोली मारो छाती में गोली खाओ फिर उल्टे नहीं हटा गया। वो हमने हमने बिड़ा रहा किसान ने प्रशासन ने, तो आप टक्कर मार जाओ एक मोदी कट्टर दुष्यंत वो मारे से मियाँ की बात कर लो, आम के गोली तो ले रहे हैं। जब मोदी माँ खट्टर में इतना दम हो तो मारा से मियाँ की दिखा दो, आम रोड पर बैठे हैं खट्टर मोदी हमने काय की दिखा दो कि मैं और खट्टर मोदी मारा से मियाँ की दिखा दो। किसान नू बता देगा भी किसान चीज के हुआ है, अडानी पटानी भी हुआ भी उसी तोहफा देवेंगे कदे सोते हमारे सारा सौदा यो करा जी। आमदना मतलब कि मैं ले नहीं रहे कसी रोड पर, हम कसी नहीं ले रहे, तुम्हारे खेत में काम तो करांगे। तो सरकार का दौरा की बात प्रशासन खड़ा है, इनका दौरा बहुत चीज आमदना खाली आती बैठे हैं। आ जाओ इसमें हिम्मत है तू के इसी कंपनियां में कई कंपनियां भी हो और खाद बीज पैदा कराए खाए लगा फिर तो फिर भी इसका किसान पर हराज, किसान रोड पे भी ठहरेगा इसका तो ये मानेगा नहीं तो आर पार की लड़ाई कराओगा ये मरवाओ ही मारेगा आगा उनका आर पार से मारा पहले तो हमें टोक देनी और पाछे में छोड़ देनी वो दावा दुख माँ मिनटे में आवा है और डांडा बजावा जाओ और जा इतनी हिम्मत है तो प्रशासन नाग की उड़ावा है। पर जब सीधा लड़ना है तो किसान के साथ सीधी टक्कर कर लो, प्रशासन नाग क्यों लिया हुआ है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किसान आंदोलन की करनाल के लघु सचिवालय के, जहां पर कल से किसान डेरा डाले बैठे हैं। इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं वो भी पीछे नहीं है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये जो मेरे पीछे महिलाओं का सैलाब है, महिलाएं हैं ये जींद जिले से यहाँ पर सुबह पहुंची है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में शामिल हो रही है। मैं आपको यहाँ पर मौजूद लोगों से जो महिलाएं हैं महिला किसान हैं उनसे बातचीत कराऊंगी, उनसे आप तक उनकी जो राय है उनकी जो बात है वो आपको आप तक पहुंचाना चाहूंगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं जुदानी जाए छिना जुदानी खटखट टोल से। अब कल यहाँ पर आप लोगों को बुलाया गया था, प्रशासन ने बुलाया कि हम आपसे बातचीत करेंगे लेकिन बात तो मानी नहीं और अब हमारी कोई बात नहीं मानी रहा। हम ना कि जावांगे जब ताड़े बैठे हैं, हमने माए मुझ भी सब छोड़ रखी है, हम जब हमारा हक नहीं दे लेगा ना इतना मोदी सरकार के आड़े दिखा के जावांगे हम झटका भी किसान आ रहे हैं और जोर खटखट टोल के जिन जला सारे जिन डाले खटखट टोल वाला फैसला ले लेगा ना वो मोदी जी का अटल फैसला है। उल्टे नहीं जा सकते जीन डाले। मैं मोदी जी से यह बात कहूँ कहे तो किसाना की बात मान ले और नहीं किसान ऊपर बैठा सका तो तड़ा भी घेर सका या किसाना का हाथ में हुआ है। अच्छा मैंने सुना है कल जब से आप यहाँ पर आए हैं यहाँ से पानी की व्यवस्था हटा दी है, लाइट की व्यवस्था हटा दी है। पानी के फुहारे मारे हम उल्टे नहीं हटे, पानी मारे हमारा तले पानी आया हम उल्टे नहीं हटे, उल्टे नहीं हटांगे। लेकिन मोदी जी चाहे मारा गोली मारो छाती में गोली खावांगे फिर उल्टे नहीं हटांगे। इब हम घर बार छोड़ के आ रहे हैं ना तो हमारा कड़ा फैसला ले के जावांगे। अच्छा प्रशासन तो अब भी है जो हिलने का नाम ले रहा, कुछ ना आप लोगों की बात मान रहा है ना अपनी बातें रख रहा है। देखो जी प्रशासन तो है सरकार का ड्यूटी है प्रशासन की, हम नहीं कंधे ड्यूटी करो प्रशासन गुलामी मत करो मारे हैं। इमनू बता खट्टर का नहीं मोदी का नहीं सह तो मारे वो हमने बिड़ा रहा किसान ने प्रशासन ने, तो आप टक्कर मार जाओ एक मोदी कट्टर दुष्यंत वो मारे से मियाँ की बात कर लो, आम के गोली तो ले रहे हैं। दो बात करनी है, बात कर ले बतला लो किसान ना अपनी जो दिए के मांगा हम सिर्फ हमारा हक, तीन काले कानून रद्द कर दो, MSP पर गारंटी दे दो, अपनी मुट्ठी खोज के अपने घर टिक जाए। हम क्यों रोड़ा बैठा गे, हम के पागल हो रहे हैं रोड़ा पे बैठा गे। जब हमने ओढ़ते बैठा दिया ना तो हम नीचे हम उठ लिए ना रोड़ा बैठ के, तो खट्टर जी ने मैं यह बात कहूँ तुझे इतना है जब तू हम ना इतना ऊंचा बैठा दिया तो हम नीचे भी गिर जाना हम। या किसान पक्की सोच रहा है बात और कह किसान ना माँ की ना अपनी बात मान ले गलती मान ले तो फिर भी माफ करने की कोई चीज होती है, नहीं तो माफ होती भगवान भी नहीं करेगा। अब आप लोगों का क्या विचार है, कब तक यहीं पर डटे रहेंगे? हम इतने दिन डटे रहे, इस सरकार या गंदी सरकार हूँ तो कुछ मानती नहीं। 2024 तक तो यह मानेगी, 2024 तक तो मानेगी और मना फिर तो आगे तो इसका कोई चारा नहीं चल लगा, आगे तो ये आनते रहे आगे ना गामा में किसान है, किसान रोड पर बैठा है। जब मोदी माँ खट्टर में इतना दम हो तो मारा से मियाँ की दिखा दो, हम रोड पर बैठे हैं खट्टर मोदी हमने काय की दिखा दो कि मैं और खट्टर मोदी मारा से मियाँ की दिखा दो। किसान नू बता देगा भी किसान चीज के हुआ है। अभी ये जो सरकार है वो लोगों के सामने तो नहीं आ रही, कई जगह पर जैसे कई गांवों में उनके कार्यक्रम होते हैं बीजेपी नेताओं के या किसी के भी, वो कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं, आप लोगों के सामने नहीं आ रहे। उनका कोई कुछ उनका कार्यक्रम नहीं, कोई उन्हें देख ही राती नहीं है भाई, किसान ना भड़काना चाहे हुए हम अपने खटखट टोल पर शांति तबे वो हमने कुएं की मैं कह दे उन पर करना ना कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमने भड़का हुआ है।
मोदी ने दुष्यंत ने कहा तुम्हारा मान लो आकर नहीं तो देख रोड पर जाने ये किसान कितने दिन और जब किसान नाज नहीं उपजाओगा खाओगा के सारी चीज किसान तो चल रहा किसान भूखा नहीं मरेगा किसान तो अपना काम करने जाना है। मोदी जी ने के बेरा गेहूँ कैसे होते हैं खट्टर जी ने के बेरा गेहूँ कैसे पकाते हैं जन्म भी गाँव में भी मरते हैं जाडे में भी मरते हैं सर्दी में तो उसी के बेरा पके पकाए खा गोदामा में गल अडानी पडानी भी वहाँ भी उसी धोखा देवेंगे कद सोते हमारे सारा सौदा ये करेंगे अरे प्रशासन है ना प्रशासन के बालक भी रोड पावेंगे आज किसान आ रहा है तो तड़का इन्हें भी रोड पाना किसी का नहीं है। मोदी खट्टर सिर्फ अपने पीछे पीछे लालच लालच कर रहा है वो किसी का भी नहीं है और किसान की सरकार की लड़ाई नहीं होया करती है किसान तो खेतों में काम करने वाला है इनका देख कसी मारा आड़ मेरे प्रशासन साथ बाजेगा तो मैं खेत में जाऊंगी मारा खेत में के पाओगा कसी कसोला जेड़ी तो हम तो बंदूक कड़त लियावांगे तो मारा खेत में तो ये रात है नुका कसी मार कसी कड़त मारांगे हम मारा खेत में तो कसी चलावांगे आम धरना है पता कि मैं ले नहीं रहे कसी रोड पर हम कसी नहीं ले रहे तो मारा खेत में काम तो करांगे तो सरकार का दौरा ये बात प्रशासन खड़ा है इनका दौरा बहुत सी आम जमा खाली हाथी बैठे हैं आ जाओ जिसमें हिम्मत है। तो आप कुछ कह रही थी? मैं भी कह रही थी मैं यह कहना कह रहे थे भी मैं इस बेस श्रम सरकार ने नुकवा मम ने कोई टाइम थाड़े बैठने का रोडा पे बैठा रखे थी मैं तुम्हारा अगर बहुत काम थे बाजरे का डर भाई मम एक मास चुकान मम ने कोई टाइम था हमारा तो बहुत काम थे जे जमींदार ने किसान ने खेती करनी छोड़ दी नहीं अन्न पैदा करना छोड़ दी तो यह के खाओगी सरकार भूखी मरेगी के खाओगी पिछा गल पेट भरेगा यो के इसकी कंपनियां में कंपनियां भी हो और खाद बीज पैदा कर रही खाई लगा फिर तो फिर भी इसका किसान बरहराज किसान रोड़ा पे बिठा रखा है इतना दुखी कर रखा सर फुड़वा रखे माँ बाप तंगे को हमारा किसान जीता मार दिया तो यो जाए तो मुख्यमंत्री बना था खट्टर कदे नरवाना आवा कदे सहारा आवा कदे करनाल आवा है कदे और कुलाना आवा है भाई और जिंद मैके दिखाई देना चाहो टाइम दे क्या हो। अच्छा कहते हैं जो किसान है वो सबका पेट भरता है आज भी यहाँ पर जो किसान है वो सबका पेट भरा है सरकार ने तो आप लोगों के पानी की जो व्यवस्था थी वो भी बंद कर दी आप लोगों का कहना लेकिन आप लोग आज भी सबका पेट भर रहे हो। सबका पेट भरा किसान नाराज आके आड़त नू देख ले लंगर कितना बढ़िया है चाह की भी और तो के कुल्फी भी देवा है खान की नू इतनी हमने नुए नहीं भाई खान की खेती बनाना नहीं बैठे जमा बैठे बैठे छकावा किसान इतना अंदाता इतना देता सबको पेट सबका पेट भरता हमारे इतनी दुनिया आ रही है इतना लंगर ला रखा कोई पानी का इंतजाम नहीं रहा सरकार ने पानी बंद कर दिया किसान का कोई घाटा नहीं और सरकार का घाटा घाटा मैं एक मिनट एक दिन में इसके कह चढ़ा दिया कदे नहीं सोचा भूखा मर जाए इसकी दूध बिना चाह बिना रोटियां बिना ये भूखा मर जाए इतनी मैं एक दिन में इसकी डीढ़ बना देंगे जमा में दूध। क्या उम्र है आपकी ताई? 60 1-2 साल ऊपर हो रही बेटी। और कितने टाइम से इस आंदोलन में हो? हमने 9.5 महीनों की बेटी। अच्छा तब से इन किसानों के साथ ही बैठे हो हर जगह पर? हाँ जमा हमने एक दिन भी टाला कर दिया। आप इतने बुजुर्ग हो के भी किसानों के साथ खड़े हो लेकिन प्रशासन है जो सरकार है वो तो आपकी सुन नहीं रही। ना कौन सुन रही बेटी क्या कहना चाहोगे? हम न्यू को वहाँ पे हम तो ना तारे के लड़ दे ना कि मैं पैस हमने तो काले कानून वापस ले ले और अपने उस कागज पर मिस्टी पर लिख दे आई रोटियां का रुकदार सभी जमींदार का किसान का तो इस जमींदार तो इस किसान अपनी खेती का सारा है मांस पाल ली वे खेती कर ली अपना ये डंगर पशु का अपना बेच खेच लिया इस तो हमने के पैर से। अच्छा अगर आप अब भी सरकार नहीं मानती आपकी मांगे तो क्या करोगे? फिर करेंगे कि फिर आड़ बैठे रहेंगे तो दो दिन में जो चाहिए एक दिन में जो इसकी करके जावांगे लिहाज तो उसका पक्का करांगे जीव तो हमारा जज की लिहाज बिना तो हम रोड़ा पे भी इतनी दूर हमने करनाल आने के कैसा इलाज कैसा के इलाज का तो ये मानेगा नहीं तो आर पार की लड़ाई कराओगा ये मरवाओ मारेगा। लेकिन जो किसान नेता वो तो कह रहे हैं कि हमें शांति से ही लड़ना है चाहे जब तक आम शांति यहाँ हम को नहीं कर दे लड़ाई ये प्रशासन आगड़ा हुआ है तो किसान क्यों करा किसान फिर भी धक्का मुक्की नहीं करता किसान धक्का लटका हुआ है किसान देख किसान कितने मर लिए लटकाए उनके कितने नाक की हड्डी टूट गई आँख की रोशनी चली गई तो ये बीच का एक बात ला लो छोटी बात ला लो सरकार का कुछ है नहीं जब उसका छोटा मोटा बालक उलाज होंगी तो उसका दर्द नहीं होगा अपनी उलाज का आज वो ना चुटा ला रो दूसरे गए थे वोट लेने रातिया ना भी परसिया का तला बैठे रहा करते हरी चुंदड़ी हो डिया हो हरी चुंद आज क्या तक जाती है हम पूछन तो हम रोडा पे क्यों बैठे हो माँ बेटिया ने इतना घपला कराया रात उन्हें रपिए चाहोगे ना चुटा लाया अपने रांडिया की सरकार उन मजा बैठी है रांडिया का लुगाई होगी किसान दुखी बेसंग हो किसान का के लागत किसान कुछ एक कुछ नहीं लगता सब ने बैठे बैठे ने सुविधा इतनी करके किसान ने को कर नहीं सकता
अब फिर भी इनका सिर फोड़न लग रहे हैं, वो ये सबसे बड़ी गलती कर रखी है सरकार ने। अरे यो अरे जीन जिला खट्टर का जिला में, और जब खट्टर की मत उन्हें आज न्यू देख लिया सर किसके गले फूटेंगे। उसने तो कह दिया था DCO SPO जो भी है नी वो तेनों को मैं मैडम पढ़ने को दे थे वहाँ मैं पढ़ के जुए हैं। अरे बाग आगा उनका अर पाछा मारा पहला तो हमें टोक देनी और पाछा माँ हमें छोड़ देनी सीधी ही बात है। खट्टर ने कहा वहाँ आज आ जाए देखा कितना पानी में है, यह बात कहना चाहूँगा मैं तो मोदी ने जी। सरकार से मैं यूँ कहना चाहूँ दो घंटे पहले भी हमने पता दे दें, दो घंटे पहले हम ओर आवागे तो फिर नू देखा भाई किसान जीतेगा वो जीतेगा वो जावा लुक माँ मिनट में आवा है और डांडा बजावा है जावा और जा इतनी ही मत है तो प्रशासन नागा की ओडावा है। पर जब सीधा लड़ना है तो किसान के साथ सीधी टक्कर कर लो, प्रशासन नागा क्यों लिया हुआ है? प्रशासन तो मारा ही है आमनों को, वहाँ प्रशासन तो मारा ही है, इसका तो कौन सहेगा? कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों काम का बेगाने लोगों ने बड़का न मरवा रहे देश की रक्षा करने के हैं? प्रशासन का दुनिया नहीं डटिया करती, प्रशासन हुआ है, प्रशासन हुआ है साहब पर। फिर लेकिन मोदी खट्टर का तो नहीं है, ये भी मारे हैं किसान जवान मारे हैं, इसका के है? और ये भी अपने माँ बापुआन कितने एक दिन मारेंगे घर बैठ के, फिर इसका गला कौन है? कौन होगा इसका गला है? अरे इसी तो बेटी मरना है, मरना है एक दिन। अरे मैं तुम कहूँ भगवान तू इठा ले मारा भी नाम भी को नहीं होगा। अरे यार राज निकट जाएगी हम तो यार। इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है प्रशासन की तरफ से इन्हें यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो किसान है वो डटे हुए हैं। उनका जो कहना है वो साफ तौर पर शुरू से चले आ रहे हैं, यही कहते हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती ना हिलेंगे और ना ही प्रशासन को बिना हिलाए यहाँ से जाने वाले हैं। आपको और भी तस्वीरों से रूबरू कराएंगे और भी किसानों की बातें आप तक पहुँचाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके नज़रिए से किसानों की इस परेशानी का और जो सरकार का ये रवैया है उसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन आदि के साथ मैं कंचन भारती करना। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।